जाता है, अगर हौसले बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। इसी बात को सच कर दिखाया कानपुर के यशोदा नगर के 15 वर्षीय दिव्यांश कीर्ति दीक्षित ने, जिसने अपनी लगन और निष्ठा से महज 15 वर्ष की ही छोटी सी उम्र में ही वन हैंड पंच में इंडिया गिनीज बुक में एक मिनट में 314 बार एक हाथ से पंच कर अपना नाम दर्ज करा लिया और अपने साथ साथ अपने परिवार और शहर के नाम एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं अब दिव्यांशु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। आपको बताते चले कि यशोदा नगर में रहने वाले संजय कुमार दीक्षित, जो कि LIC में कार्यरत है, उनके घर में पत्नी कीर्ति, बेटी ऐश्वर्या और बेटा दिव्यांश कीर्ति दीक्षित है। दिव्यांश बचपन से ही जूडो कराटे खेलने में रुचि रखता था, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उसका जूडो प्रशिक्षण भी शुरू करा दिया। दिव्यांश इस वक्त 10वीं का छात्र है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जूडो कराटे का भी प्रैक्टिस कर रहा है। दिव्यांश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब लॉकडाउन जारी हुआ, उसके बाद से ही उसने मैक्सिमम कनुजकल पंच प्रतियोगिता देखी थी, जिसके बाद उसने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिभाग बन गया, जिसके बाद दिव्यांश ने एक मिनट में उड़ीसा के अभी कुमार को 290 पंच का रिकॉर्ड तोड़कर 314 बार पंच चलाकर अपना झंडा गाड़ दिया और अपने सपने को सच कर दिखाया, जिसके बाद अब कानपुर के लाल का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, जिसके बाद अब दिव्यांश गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, जिसकी अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दिव्यांश ने अपनी इस उपलब्धि का असली हीरो अपने गुरु और माँ और पिता को बताया। वहीं दिव्यांश के पिता ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उनके बेटे ने इतनी कम उम्र में अपना नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जो उनके बेटे ने कर दिखाया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और बेटे ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरा नाम संजय दीक्षित है और मेरे बेटे ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। नेशनल रिकॉर्ड को इसने ब्रेक किया हुआ है, इंडिया बुक में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। 340 पंचेस जो है इसने मारे हैं एक मिनट में, और बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। कैसा महसूस कर रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे और मेरे परिवार को कि मेरे नहीं, ये प्रेरणा तो इसके अंदर खुद की थी। ये क्लास वन से ही ये कराटे सीखता था और क्लास वन से ही इसको जो है कराटे में बहुत इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने इनके टीचर हैं बसंत कुमार संग उनसे बात करी और उनको उनके उसमें छोड़ दिया हम लोगों ने। तो ये धीरे धीरे जो है इसने 2018 में जिला लेवल की प्रतियोगिता हुई थी, जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इसने गोल्ड मेडल पाया। बाद में 2018 में ही इसने नैनीताल में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, तो वहाँ भी इसने गोल्ड मेडल लिया। फिर ये तमिलनाडु में नेशनल लेवल की हुई थी, वहाँ भी ये गोल्ड मेडल लाया। उसके बाद में दिल्ली 2019 में दिल्ली में भी इसने गोल्ड मेडल जीता। तो धीरे धीरे ये जब आगे बढ़ रहा था हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि अब ये आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो भी अधिक से अधिक साधन हो सकते थे, जो ये बोलता था कि मुझे अब ये चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग उपलब्ध कराते थे। क्या लगता है कि आगे की क्या योजना? आगे की योजना मेरी तो यही इच्छा है कि गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराए, अभी तो इंडिया बुक में, गिनीज बुक में भी कराए। आज बेटे ने इंडिया बुक में नाम अपना दर्ज करा लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना गौरव हो रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा जो है इंडिया बुक में उसने अपना नाम दर्ज कराया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका और कैसे आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था? सर मेरा नाम दिव्यांश कीर्ति दीक्षित है और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नेशनल रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था और मैंने नेशनल रिकॉर्ड 314 पंचेज मार के नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया पंचिंग का। तो कैसे अप्लाई किया था, कैसे ये दीवान आया कि आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए?
सर मैंने एक टीवी शो के ज़रिए इसको देखा था कि पंचिंग के रिकॉर्ड्स हैं, और मैंने उसी को देख के नेशनल रिकॉर्ड के बारे में सर्च किया था कि पंचिंग के किस तरीके से रिकॉर्ड्स हैं, और उसी से मैंने इस रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था। इससे पहले का क्या रिकॉर्ड था जो आपने तोड़ा? इसके पहले का रिकॉर्ड अभी कुमार जी का था जो उड़ीसा के थे, जिन्होंने 290 पंचेज मारे थे वन हैंड से। मैंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया 314 पंचेज मार के। क्या लगता है ये जो पहले का रिकॉर्ड था और अब आपने जो रिकॉर्ड कायम किया है उसमें कितना अंतर है? मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करके इसमें और अच्छा इसमें करूँ। अभी आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर को श्री वसंत कुमार सिंह को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रिपेयर किया, इतना मुझे तैयार कराया इसके लिए कि मैं एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बन सकूँ। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की मैं गिनीज बुक के लिए तैयारी कर रहा हूँ और चाहूँगा कि जल्दी से गिनीज बुक का रिकॉर्ड ब्रेक करूँ। आप जैसा कि बताया जा रहा है कि पंच मारते हैं, तो क्या घर में कितना नुकसान पहुँचाया इन पंचों से? घर में काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, जैसे कि मार्बल तोड़ देता था, सीनरीज ब्रेक हो जाती थी, मम्मी चिल्लाती थी कि मत किया करो, हाथ में लग जाएगी, सामान टूट जाएगा, लेकिन मेरे अंदर इस चीज़ का जुनून था कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड बनना है और अपना नाम इसमें करना है।